Congress is holding mehngai par halla bol rally against rising inflation in the country. Congress supporters engage in a scuffle with cops after police block Congress MP Adhiranjan Chaudhary's rally in Delhi. The rally is coming ahead of the party's 3500 kilometer Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir starting 7 September that will witness the participation of several Congress leaders and MPs. The rally is expected to witness participation of lakhs of Congress workers, leaders from across the length and breadth of the country. Visuals coming in right now, live visuals coming in of the rally at the moment. Congress President Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi will not be participating in this rally. Congress has been attacking the government over price rise, over unemployment, saying that these are issues of the common man and should be discussed in all forums. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेली रोड से कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ताओं के बीच में और झड़प जैसी स्थिति है. पुलिस ने इनको रोका. अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से आए जो कार्यकर्ता थे वो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं जहां कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम बुलाया है. दिल्ली पुलिस ने बस लगाई, इनको यहाँ पैदल मार्च करने से रोक दिया है. और ये आप देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी के बीच आप देख रहे हैं धूप की स्थिति यहाँ पर बन गई. और पुलिस इनसे गुजारिश करे कि इनको पैदल यात्रा न करने दी जाए. यहाँ बसें लगाई गई हैं कि इनको बसों में फिर यहाँ से ले जाया जाएगा. और अब पुलिस के खिलाफ पुलिस आखिर देखिए ये डेमोक्रेसी है. अधीर चौधरी के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं, क्यों हमें जाने नहीं दिया जा रहा. और अब देखिए ये पहले बैरिकेड लगाया गया था, पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाया और उसके बाद उस ह्यूमन चेन को तोड़ने में लोग कामयाब रहे. अधीर रंजन चौधरी आगे अधीर रंजन आप कहाँ जाना चाहते हैं. की बात है हमें जुलूस भी नहीं निकलना वालों ने क्या होता है ये. पहले हम लोग पुलिस वालों को बताया कि भाई जुलूस निकलना है. ये बंगाल के लोग आए हैं यहाँ जुलूस में शामिल होने के लिए. ये जो हमारे आज रैली है ये रैली में शामिल होने के लिए. दर्शन से मैसेज क्या देगी कांग्रेस. अजीब सी बात है, हम तो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, फिर भी इस तरीके की बाधा क्यों दिया जा रहा है पता नहीं. इसका बड़ा आरोप यहाँ से कि जब ये नेता मार्च निकालना चाहते थे पुलिस इन्हें आगे नहीं जाने दी. और देखिए आगे फिर एक बार यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है. यहाँ देखिए बैरिकेड फिर से पुलिस ने लगा दिया है, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है. पीछे से दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से इन बसों में ले जाया जाएगा. इसके आगे जाने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है. आगे कुछ अधिकारी हैं, यहाँ पीछे पुलिस के कुछ जवान हैं, बैरिकेड लगा के इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है. और अब इस बस को आगे लाया जाए. देखिए सब पुलिस जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है इन कार्यकर्ताओं को कि आगे ना जाने दिया जा रहा है. यहाँ नारेबाजी हो रही है, देखिए धक्का मुक्की की भी स्थिति, नारेबाजी हो रही है पुलिस के खिलाफ. एक रास्ता बंद किया तो वहां देखिए जीप के पीछे दूसरे रास्ते से भी कार्यकर्ता निकलने को उनको रोकने की कोशिश की जा रही है. देखिए एक रास्ते से बंद किया तो वो पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से जो कार्यकर्ता है वो जा रहे. देखिए यहां भी इनको रोकने की कोशिश की जा रही है. हालांकि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की जो अनुमति है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और उनके समर्थक यहां से मार्च करके जाना चाहते हैं तो मार्च पुलिस नहीं करने दे रही है. और इनके लिए बाकायदा कहा गया कि आप AICC चले जाएं, वहां से जो पूरी व्यवस्था है सभी नेता क्योंकि बसों में बैठकर जाएंगे. और यहां पर ये देखिए अधीर रंजन चौधरी को समझाने की कोशिश हो रही है. पुलिस उनसे कह रही है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, अनुमति नहीं है. और हंगामा